अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से और अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों से आज अपील है कि वीडियो थोड़ा सा एंड तक देखे, थोड़ी सी ज़्यादा देखे, ताकि मैं आज एक गरीब एक मज़लूम की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो में देख रहे हो, ये जो एक बहन की यहाँ अस्पताल में एडमिट है, तो इस बहन की और इस भाई की एक फरियाद आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो लिहाजा आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, ताकि मज़लूम तक की आवाज़ आप लोगों तक पहुँच जाए। और मेरा ये मतलब नहीं है कि मेरा वीडियो आगे चले या मुझे डॉलर मिले या कुछ भी मिले, जो भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चैनल अगर मोनेटाइज भी है तो मैंने ये गरीबों के लिए इंशाल्लाह बनाया गया हुआ है, जो इसमें मैं गरीबों का काम करता हूँ। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो भी इनकम आएगा ये भी गरीबों तक भेज दिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं जेब में कुछ नहीं रखूँगा, लिहाजा आप लोगों की टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। ये भाई है और इनकी एक बहन है जो आपको सामने बेड में नज़र आ रहा है। इनकी उम्र इस वक्त 14 से 15 साल है। इस बहन की एक अस्पताल में एडमिट है कोठे शहर में। इस बहन की एक कैंसर की मरीज़ है, जो इस बेचारी से एक टांग काट दिया गया, क्योंकि मैं इस अस्पताल में ख़ुद यहाँ पर हूँ और मैंने इस शख्स को देखा। लेकिन इस शख्स के पास इस वक्त कोई भी रकम नहीं है जो अपने बहन का इलाज कर सके। इस वक्त इसका कहना है कि 12 से 13 लाख रुपया कर्ज़ चढ़ चुका है। यह अस्पताल में एडमिट है, एक प्राइवेट अस्पताल में है, जो इस बेचारे के पास इतना पैसा नहीं है कि ये 100 या 200 या 300 की गोली भी ला के दे दे। और इस भाई के साथ बहुत सारे लोगों ने इमदाद भी किया, और इस भाई का यही गुजारिश है कि भाई खुदा के लिए, अल्लाह के लिए हमसे थोड़ा कुछ इमदाद कीजिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके अब तक तो मैंने कोई ऐसी जुटी हुई काम तो नहीं किया, लेकिन मैं इस बात की कसम खाता हूँ, इस महीने रमज़ान की कसम खाता हूँ कि इस बेचारा, ये जो बेचारा है, बहुत मजबूरी हालात में है और बहुत मुश्किलात के सामना है। और इस भाई का यही फरियाद है, जो भी इनके साथ कुछ भी मदद कर सकते हैं, चाहे 100 50 जितना भी हो सके, मैं रमज़ान है, अगर ज़कात आप लोग देना चाहते हो या इस गरीब के साथ जितना भी आपसे हो सके, इस भाई और इस बहन के खातिर इनसे मदद कीजिए। क्योंकि इस भाई का कोई कमाने वाला नहीं है, ये बेचारा कमाने वाले भी यही है। इसका वालिद साहब है, वो पालच की अटैक में हुआ, यानी कि वो मरीज़ है पालच की, बिल्कुल अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता है। लेकिन इसका इकलौता भाई है इस बहन का, कि ये बेचारा इतना ख़र्चा नहीं उठा सकता है। तो मैंने ख़ुद इसको एक मेडिकल स्टोर में देखा, जब मेडिसिन लेते वक्त मैंने देखा था, तो इस भाई के पास कोई पैसा नहीं था। और यहाँ भी मैंने इसके लिए थोड़ा सा कुछ काम कोशिश किया, लेकिन इस भाई को ये भी मालूम नहीं था कि मैं इस मीडिया के हवाले से ऐसे गरीबों का आवाज़ उठाता हूँ। तो फिर मैंने इसे ख़ुद बोला था, मैंने कहा भाई मैं आपसे छोटी सी मदद करता हूँ, मेरे भाइयों से और मेरे दोस्तों से मैं आपकी आवाज़ और आपकी मजबूरी शेयर करता हूँ, हो सके इनमें से कोई अच्छा भाई होगा और आपके साथ मदद करे। और इस भाई का बहुत मजबूरी हालात है, और आप इनके साथ ख़ुद भी रابطہ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ख़ुद रابطہ करना है। ये इनकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है जोन का, और इसी पे इसका अकाउंट बना हुआ है, कि कौन सा अकाउंट बना हुआ है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिप अकाउंट होते हैं या जेज अकाउंट होते हैं, जो भी होता है उसी तरह की अकाउंट इस भाई का बना हुआ है। आपने इनसे ख़ुद मालूमात करना है, फिर उसके बाद जितना भी आपसे हो सके आप इनके साथ मदद करें। मैं ये आज माह रमज़ान की कसम खाता हूँ, कि मैंने आज तक ऐसा कसम नहीं खा, लेकिन इस माह रमज़ान की मैं कसम खाता हूँ कि ये गरीब बेचारा बहुत इस वक्त मजबूरी हालात में, जितना भी आपसे हो सके इस भाई के साथ इमदाद करें। तो मैं कसम खाता हूँ कि इसकी सिला इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस भाई को उर्दू बोलना नहीं आता है, पश्तो बोलने वाला है। तो इस भाई को मैंने ख़ुद देखा और मैंने ख़ुद उससे कहा था, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बना के और आपकी इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ, हो सके कोई भाई आपसे मदद करे, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हो। और मेरे ज़्यादा तौर मेरा जो सब्सक्राइबर है वो बाहर ममालिक से, दुबई से, कहाँ मलेशिया से, यहाँ काफ़ी बहुत लोग बाहर है, वहाँ मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जितना भी हो सके आप इनके साथ इमदाद करें, जितना भी आपसे हो सके पहले आप इनके साथ रब्ता करें। इनका नाम है अख्तर शाह नाम है इनका, और क्वेटा से ताल्लुक़ रखता है, और ये इनकी नंबर है। इससे पहले आपने इसके साथ रब्ता करना है, लेकिन इस बेचारे को उर्दू बोलना नहीं आता है, पश्तो बोलते हैं। अगर आप जितना भी इनके साथ इमदाद कर सकते हैं आप इनके साथ इमदाद करें, तो इंशाल्लाह और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसकी जज़ा मिलेगा, खैर
मिलेगा। अल्लाह आपको लाखों और करोड़ों में एक एक जो आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी इमदाद करते हो, अल्लाह आपको करोड़ों और अरबों में बदला दे, और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बस यही मज़लूम की आवाज़ था, आपके साथ शेयर करना था। बस आप लोग जितना भी हो सके इस भाई के साथ इमदाद करें, और जितना आपसे सदका खैरात जो भी हो सके, 100, 50, 1000 जितना भी आप लोगों से हो सके इस भाई के साथ इमदाद करें, और आप खुद इनसे रब्ता करें। फिर इंशाल्लाह इसके साथ आप जितना भी मदद कर सकते हैं आप मदद करें। आप हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारे ख्याल रखें, और हमें भी ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बान